दोस्तों जो कॉमन सम्पन्न है उसका नाम है अंगारे पार्ट टू। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं अंगारे पार्ट वन में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। सबसे पहले इनकी फुर्ती का इंतजाम करना होगा। गुर पुफ पुफ बो पो वी। मेरी कुत्ता फौज आ गई। शाबाश साथियों, तुम लोग इनकी उछल कूद रोको, मैं इनकी सांसें रोकता हूं। च्यूं च्यूं। तुम सबकी दावत का इंतजाम तो हो गया, पर अभी इस मेन्यू में एक डिश और बढ़ने वाली है। सपर सपर वो फुक। ड्राइवर का भुना हुआ भेजा। तुम मुझे माफ कर दो बाप, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूं, मेरा काम तो सिर्फ इस ट्रक का सामान सही सलामत पहुंचाना था बस। कहाँ पहुंचा रहा था तू आसमान? शहर के बाहर स्थित वर्षों से बंद पड़ी कोलापाड़ा प्रयोगशाला के खंडर में आतंकवाद के हथियार के रूप में जैविक प्राणियों का प्रयोग बेहद चिंताजनक है। यहाँ लाए जा रहे ट्रक में भरा हुआ सामान अवश्य इसी कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला होगा। गुंडों, अपराधियों और आतंकवादियों को संक्रमित कर उन्हें जैविक हथियार का रूप देने के लिए। तेरा दिमाग जोर से ज्यादा चलते चलता डोगा, इसलिए तो अपने मकसद के लिए मुझे जिस उत्परिवर्तक यानी म्यूटेंट रूपी हथियार की जरूरत है उस जरूरत को तू पूरा करेगा डोगा। ओ, तूने मेरे स्वागत के लिए पहली महफिल सजा रखी है, कौन है तू चुड़ैल? हा, चुड़ैल नहीं लोमड़ी हूं मैं डोगा, मेरा नाम है मैडम फॉक्स। मुझे पूरा यकीन था कि गुंडों से भरा ट्रक पुलिस की नजरों से बच सकता है, लेकिन डोगा की कुत्ते जैसी नाक से नहीं। तुझे तो उस ट्रक के गंतव्य का पता लगाकर यहाँ पहुंचना ही था। तू मेरे बुने जाल में ठीक वैसे फंस गया जैसे लोमड़ी की चाल में खरगोश। हा, धड़ाक तोड़। तुझसे पहले भी कई जंगली जानवर शेर को खरगोश समझने की भूल कर राम प्यारे हो चुके हैं। आज तू और तेरी है सियारों की टोली भी उसी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएगी। इस लोमड़ी को शेर का शिकार करने करने में ही मजा आता डोगा। तू मुंबई का शेर सही, लेकिन इकलौता शेर भी। राइनो बिफरते गैंडों के पूरे झुंड का सामना नहीं कर सकता। कैसे कर रही है तू यह सब चुड़ैल? गुर जल्दी तुझे पता चल जाएगा जब मैं तुझे भी इनकी तरह उत्परिवर्तक बनाऊंगी। आराम से मेरे उत्परिवर्तक को अपने उन्माद में इसके हड्डी वड्डी मत तोड़ देना। अभी बहुत काम लेना मुझे इससे। बड़ा दौड़। उफ, यह उन्मादित गैंडे तो मुझे रौंद डालने पर उतार हुए हैं। इनके खाल भी गैंडे के समान बुलेट प्रूफ हो गए हैं, गोलियां इन पर असर नहीं कर रही। च्यूं च्यूं। हथियार का बारूद इनकी मोटी चमड़ी नहीं बेच सकता तो क्या हुआ? दोगा के जुनून का बारूद ही काफी है इनके लिए। शिया थोड़ थोड़ धड़ाम धुम। ओह, तू लाख लोमड़ी सही पर शेर के बच्चे के सागे किसी की मनमानी नहीं चलती। मुझे इन उत्परिवर्तकों के उन्माद की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ब्र फू। अब तक मैं सिर्फ तेरे साथ खेल रही थी डोगा, पर मुझ पर वार करके तूने अपनी सामत बुला ली है। धड़ोक, इनके बड़े उन्माद का सामना नहीं कर पाएगा तू। अफ, तेरे लिए मैंने शेर का ही सीरम चुन रखा डोगा, इस सुई में भरा सीरम। तेरे शरीर में इंजेक्ट होते उत्परिवर्तक जींस तुझे भी उत्परिवर्तक में बदल देंगे और तेरा दिमाग मेरा आदेश मानने पर विवश हो जाएगा। अफ, हा, लाख हाथ पैर मार ले, लेकिन इनकी कैद से तो तू तभी छूटेगा जब इनकी तरह तू भी मेरे हुक्म का गुलाम बन चुका होगा। सुस, तेरे इरादों का असर भी इस सीरीज के जैसा ही होगा। शक्ति, तू यहां कैसे पहुंच गई? तेरी मेहरबानी से। संसार के किसी भी कोने में जब कोई स्त्री किसी पुरुष प्रताड़ना का शिकार होकर चीखती है तो उसकी चीख मेरे कान तक पहुंच जाती है। डोगा के वार करते तेरे गले से उबली चीख ने मुझे बता दिया कि तू वही है जिसने आतंकवादियों की टोली के साथ टाइगर हिल्स पर घुसपैठ की थी।
तो तू क्या यहाँ मैडम फॉक्स को डोगा की प्रताड़ना से बचाने आई है? मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि शायद डोगा मुझे उतनी प्रताड़ना न दे सके जो मैं देने वाली हूँ। पीओके टेररिस्ट बेस कैंप से मुझे तेरी प्लानिंग का शुरुआती हिस्सा तो पता चल चुका है, अब आगे की जानकारी खुद उगल दे वरना मुझे वो जानकारी तेरे हलक में जलते अंगारे ठूस कर निकलवानी पड़ेगी। मेरे अलग से जानकारी निकलने में से पहले तेरे उत्परिवर्तक डोगा को के शरीर से इसकी जान निकाल देंगे, फैसला तेरा है, डोगा को बचा ले या मुझसे जानकारी उगलवा ले। मुंबई के रक्षक को बचाना वो ज्यादा आवश्यक है, फॉक्स से जानकारी तो मैं बाद में भी निकलवा लूंगी। धड़ो थैंक्स शक्ति, धड़ो खुच खुच। गैंडे का शरीर लाख कठोर सही परंतु उसके मस्तक का भाग कोमल होता है, इनके मस्तक पर प्रहार करो डोगा। ओफ, बहुत जोर दिखा रहे थे, अबाउ शैतानो धड़ो। मेरी उष्मा शक्ति ने यहाँ मौजूद लोहे को पिघलाकर चक्कर रूप दे दिया है, यही चक्कर इनका संहार करेगा। मौके का फायदा उठाकर फॉक्स भाग निकली। यह मैडम फॉक्स है क्या बला? मैडम फॉक्स नाम की यह बला पूरी मुंबई को निगलने के मनसूबे बना रही है डोगा। फिर शक्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर डोगा के 53 सनसनाने लगे। फॉक्स के मनसूबों को उसके उत्प्रवर्तकों के साथ नरक भेजेगा डोगा। तुम्हारे प्लान और प्रयोगों पर अब तक हमारा संगठन 100 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है मैडम फॉक्स, पर जो रिजल्ट है उससे हम खुश नहीं है। पीओके ट्रेनिंग कैंप शक्ति ने तबाह कर दिया, टाइगर हिल्स की घुसपैठ नाकाम कर दी और अब डोगा शक्ति ने मिलकर ना सिर्फ मुंबई हाइड आउट तबाह कर दिया बल्कि हमारे मुख्य अभियान को भी अधर में डाल दिया है। मैं मानती हूँ कि छोटी मोटी गड़बड़ी अभियान में हुई है लेकिन इससे अभियान की सफलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उल्टा शक्ति ने बीच में आकर मेरा काम आसान कर दिया है। डोगा और शक्ति के साथ साथ परमाणु भी इस मैटर में इन्वॉल्व है, इसके बावजूद भी तुम जीत के लिए आश्वस्त हो। हाँ, लोमड़ी की तो फितरत होती है शेरों को एक दूसरे से लड़ाकर शिकार ले उड़ना, इस बार भी यही होगा। जेड सिक्योरिटी जोन मुंबई सेंट्रल जेल मुंबई, तुम्हारे जिब्राल की कोर्ट में पेशी तक खुद यहाँ की सुरक्षा करने के प्रस्ताव की मैं सराहना करता हूँ परमाणु, परंतु निश्चिंत रहो यह जेड लेवल का हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मुझे आपके कथन पर पूरा भरोसा जेलर साहब, परंतु शक्ति को चिड़िया नहीं खुद कयामत है और उसे रोकने की ताकत इस जेल की दीवारों में नहीं है। यह जोन डोगा शक्ति और एंथोनी जैसे एक्सट्रीमिस्ट सुपर हीरोज की शक्तियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है परमाणु। यहाँ के फर्श दीवारों और छत पर स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं, अनाधिकृत प्रवेश या घुसपैठ की कोशिश करते ही पूरे जेल के अलार्म बज उठेंगे। स्मार्ट सेंसर्स घुसपैठ करने वाले की शक्तियों का आकलन कर खुद ही उसकी शक्तियों का तोड़ निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि शक्ति यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करती है, मैच फाउंड, एक्सेस ग्रांटेड, तो सेंसर्स इस पूरे एरिया का तापमान शून्य से कई गुना नीचे गिरा देंगे जिससे कि शक्ति की ताप ऊर्जा निष्क्रिय हो जाएगी। और यदि एंथोनी यहाँ घुसपैठ करे तो एंथोनी की ठंडी आग शक्ति की उष्मा शक्ति के ठीक विपरीत है। यदि उसने यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की तो स्मार्ट सेंसर इस स्थान को धधकती भट्टी में बदल देंगे। एंथोनी का मुर्दा शरीर उस अत्यधिक ताप को नहीं झेल पाएगा क्योंकि डोका के पास कोई भी अतिरिक्त सुपर पावर नहीं है, इसलिए यह दोनों तरीके उसे काबू में करने के लिए कारगर है। इसके अलावा यह सेंसर लेजर रेज वह तीव्र करंट करंट भी प्रभावित करते हैं। इस जेड सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था वाकई एक जबरदस्त है जेलर साहब, फिर भी मुझे शक है कि शक्ति इसे भेजने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगी। बड़ाओम, यह धमाका कैसा है? लगता है जिसका मुझे डर था वो मुसीबत आ गई। बड़ाओम, यानी आ गई है शक्ति। बड़ाओम, बूम, चाहे जितने भी पहरे लगा लो शक्ति और मृत्यु अपने शिकार तक पहुंच ही जाती है। सरकारी गोलियां देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से आती है,
इन्हें बेवजह मुझ पर खर्च मत करो। सुस मेरे परमाणु छल्ले इनकम टैक्स के पैसों से नहीं आते सकती। ओफ, मुझे उम्मीद थी कि तू फिर मेरे रास्ते में आएगा परमाणु। जुम जुम, इसलिए इस बार तेरा भी पुख्ता इंतजाम करके आई हूं मैं। अपनी शक्ति या मद में शायद तुम भूल गई शक्ति कि मैं तुम्हारी इस कैद से। सुस, बड़े आराम से ट्रांसमिट होकर निकल जाऊंगा। मुझे पता था परमाणु की तो अपनी ट्रांसमिट होने की शक्ति का प्रयोग करेगा। मैं इसी पल की तो प्रतीक्षा कर रही थी। यह क्या मैं खुद को पुनः ठोस रूप में नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि मैंने तेरे अणुओं में विभक्त शरीर के साथ पारा यानी मरकरी के कण मिला दिए हैं। अब तो तब तक सामान्य रूप नहीं धारण कर सकता जब तक मैं इन कणों को तेरे कणों से अलग नहीं करती। वाकई तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है शक्ति, पर मेरी मुसीबत अब तुम्हारी भी मुश्किल बनने वाली है। मरकरी और मेरे परमाणु कणों का सम्मिलित रूप तुम्हारे शरीर को अपने भीतर समेट लेगा। मेरी यह कैद तुम्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगी शक्ति। अब फैसला तुम्हारा है, या तो मुझे सामान्य करो या फिर इसी तरह कैद में जकड़ी रहो। किसी भी हाल में तुम जिब्राल तक नहीं पहुंच सकती। मेरा कार्य तो सिर्फ ही आने का रास्ता बनाना और पुलिस फोर्स में तुम्हें नाकाम करना था। परमाणु जिब्राल तक तो कोई और पहुंचने वाला है। दोगा इस रूप में यह शक्ति द्वारा अपनी उष्मा शक्ति से तैयार किया हुआ विशेष आर्मर है। लेड धातु से निर्मित यह आर्मर खास तौर पर इस जेल के जेड सिक्योरिटी जोन को भेदने के लिए तैयार किया गया है। डोगा को इस जेड सिक्योरिटी जोन में प्रवेश करने के लिए किसी फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है। शक्ति ने अपनी उष्मा शक्ति से इस विशेष गन का निर्माण किया है। इसमें शक्ति की उष्मा शक्ति भरी हुई है जो कि स्टील के 6 फुट मोटे दरवाजे को भी पल भर में मोम की तरह पिघला देगी। इस सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हमें पहले से ही थी, इसलिए शक्ति ने यह लेड आर्मर तैयार किया। लेड एक बैड कंडक्टर यानी बुरा संवाहक होता है। यहाँ के स्मार्ट सेंसर द्वारा बढ़ाए गए तापमान का असर लेड के इस मोटे आर्मर को भेद कर मुझ तक पहुंचने तक भेद मामूली रह जाएगा। हाई वोल्टेज करंट का प्रभाव भी इतना ही मुझ तक पहुंच रहा है जो झेला जा सके। क्रिच क्रिच, लेकिन यह आर्मर लेजर किरणों को नहीं रोक सकता। लेजर किरणें आर्मर को काट रही है। इससे पहले कि आर्मर को काट कर लेजर किरणें मेरे जिस्म तक पहुंचे, मुझे गलियारे के दूसरी ओर निकलकर जेट सिक्योरिटी जोन का कंट्रोल पैनल नष्ट करना होगा। बुम बड़ाम, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होंगे, पर अफसोस इनके पास मेरी तरह नोज फिल्टर नहीं है। इनके होश पाकता करने के लिए यह स्मोक बम ही काफी है। खो खो, अब मैं इत्मीनान से वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए इतनी जहमत उठानी पड़ी। उफ, यकीन नहीं हो रहा सकती कि तुम भी डोगा की तरह कानून तोड़कर अपना एक कानून चलाने लगी हो। कानून अंधा होता परमाणु, वो यह नहीं देख पाता जो उसे छुपाया जा रहा है। जब तुम्हें उन कारणों का पता चलेगा जिसके लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोलो शक्ति, बोलो, बताओ मुझे कि आखिर वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम कानून की दुश्मन बन गई। जिब्राल, दरअसल वह क्या सीन है। मेरे दो परम शत्रु एक दूसरे की जान लेने पर उतार हुए। शैतान तुम दोनों को सफल बनाए। मैडम फॉक्स, तू जिंदा है? तुम जानते हो उसे? कुछ सालों पहले साटी में इसने वैम्पायर डोल के साथ मिलकर अपने वैम्पायर कैप्सूल से जबरदस्त आतंक मचाया था। मैं भी इसका शिकार बनते बनते बचा था। इस घटना के बारे में पढ़े परमाणु का पूर्व विशेषांक हाहाकार। उस समय मेरा वैम्पायर फार्मूला प्रारंभिक चरण में था परमाणु, इसलिए तू मुझे मात देने में सफल हो गया। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूं, लेकिन मैंने तुझे अपने हाथों से मौत दी थी। तुझसे भिड़ने के से पहले मैंने खुद भी वैम्पायर कैप्सूल खाया था। जब तूने मुझ पर वार किया तो मेरे भीतर मौजूद वैम्पायर जींस खत्म हो गए और मैं कुछ समय के लिए क्लिनिकली डेड हो गई थी, जिस वजह से तूने मुझे मरा हुआ समझ लिया। मुझे वैम्पायर की शक्ति को बढ़ाने के लिए रिसर्च की जरूरत थी।
रिसर्च के लिए पैसे की पैसा मुझे मिला अंत की संगठनों से। उनकी फंडिंग से मैंने वैम्पायर फार्मूले को कहीं ज्यादा विध्वंसक उत्परिवर्तक रूप में भी विकसित कर लिया है। नमूना देखोगे, वाइपर विभिन्न जानवर के जिन से अपने आदमियों को म्यूटेंट कर अपनी उत्परिवर्तक सेना तैयार की है मैंने। यह वाइपर सांप की शक्तियों से युक्त सर्प मानवों की सेना। पहले इन उत्परिवर्तकों से तो निपट लो तुम दोनों। बड़े प्यार से तुम दोनों के लिए गिफ्ट के तौर पर लाई हूं मैंने। हा। मेरे परमाणु कणों को आजाद करो शक्ति। पिछली बार जो कमी रह गई थी, इस बार इस लोमड़ी की मौत के साथ वो पूरी हो जाएगी। उफ, यह तो विष फुहार छोड़ रहे हैं। तुम दोनों मौत का मजा लो, मैं अपने स्पॉन्सर्स का छोटा सा काम करके आती हूँ। मैडम फॉक्स को रोकना होगा, लेकिन उससे पहले इन सबको समाप्त करने के लिए मुझे और तुम्हें जिस भारी मात्रा में ताप व परमाणु शक्ति का क्षरण करना पड़ेगा, उससे यहाँ मौजूद पुलिस फोर्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। एक उपाय शक्ति, हमें मिलकर काम करना होगा। शटॉक, सुना ससुराल में एक और सरकारी दामाद पद आ रहा है। डोगा, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? बूम, मुझे अपने शहर अपने देश में गंदगी पसंद नहीं। जो कि तुम सोरों के यहाँ पलने से बढ़ती जा रही है। देश की जनता के मुंह से निवाला छीनकर बिरयानी ठूसने को यह अजमल खबीस कम था क्या जो तू भी चलाया? डोगा का ख्याल नहीं आया क्या तुझे? दड़ौक, बहुत चर्बी चढ़ा लिया तूने रामखोर। आज डोगा सब की सब निकाल देगा। आह हाय, मर गया। फटाक, बताओ रामखोरो, तुम दो सुअरों के मिलन के पीछे का सच जानना है मुझे। तूने वो कहावत सुनी होगी डोगा, अति उत्सुकता बिल्ली की मृत्यु का कारण बनती है। आज अति उत्सुकता कुत्ते की मौत का कारण बनने वाली है। मेरे पीछे पीछे तू यहां भी पहुंच गई लोमड़ी। मुझे तो यहां पहुंचना ही था कुत्ते। मेरा कॉन्टेक्ट जो था जिब्राल को यहाँ से आजाद कराने का, इसीलिए तो मैंने चाल चल कर तुझे अपनी लैब बुलवाया था ताकि तुझे उत्प्रवर्तक बनाकर तुझसे जेल ब्रेक करवाऊं। लेकिन एन वक्त पर शक्ति वहां पहुंची। पहले मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत मेहनत पर पानी फिर गया, पर जब शक्ति ने कहा कि वो ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर के वहां से जानकारी हासिल कर चुकी है, तो मैं इत्मीनान से बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों मिलकर मेरा काम आसान कर दोगे। और वैसा ही हुआ। शेर लड़ते रह गए और लोमड़ी शिकार लेकर उड़ने वाली है। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ और तुम्हारा काम तमाम करेगी मेरी उत्परिवर्तक सेना। हा, यह गिद्ध मानव जिंदा इतनी बोटियां नोच खाएंगे डोगा। तुम दोनों पड़े पड़े कि क्या देख रहे हो, फटाफट निकल चलो। कहीं शक्ति और परमाणु आजाद हो गए तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शेर और डोका के मुंह से उसका शिकार तो खुद शैतान भी नहीं छीन सकता। तेरी औकात ही क्या लोमड़ी? इस देश में पहले रामखोरों की कमी नहीं है। दो और नहीं पड़ने देगा डोगा। मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। अब यह मुर्दे मेरे किसी काम के नहीं है। बड़ा कड़ा, तुम्हारी वजह से वो चुड़ैल अपने प्लान में सफल हो गई। गिद्ध प्रजाति की तरह तुम्हें भी विलुप्त कर देगा डोगा। प्रोंक प्रोंक हफ, जुम जुम हफ, इन्हें किसने मारा? अति तीव्र विकिरणों यानी रेडिएशन ने, जो कि मेरे परमाणु छल्लों के रूप में शक्ति के लोहे के तीरों की नोक पर लगे हुए हैं। शक्ति के तीर जैसे इनके शरीर में धस रहे हैं। परमाणु छल्लों की तीव्र विकिरण इनके शरीर में मौजूद उत्परिवर्तक जींस का खात्मा कर रही है। इसी तरीके से हमने बाहर मौजूद सर्प मानव उत्परिवर्तकों का भी को भी समाप्त किया है। इनकी विशाल खोज को अति शीघ्र खत्म करने के लिए यह उपाय कारगर है। तुम दोनों को अंदाजा भी है कि तुम दोनों ने क्या किया है। जेल को खंडहर बना डाला, खबीस और जिब्राल को मार डाला। वो सायरन की आवाज लगता है यहाँ के हंगामे की खबर पाकर आसपास की पुलिस फोर्स यहीं आ रही है। हमें यहाँ बेवजह खून खराबा नहीं करना है। 1 घंटे में होटल ताज की छत पर मिलो परमाणु। 1 घंटे बाद क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें सच से अवगत कराने के लिए। कैसा सच? जिब्राल की झूठी गिरफ्तारी का सच। जिब्राल को मैंने खुद गिरफ्तार किया था। तुम
जिब्राल को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि जिब्राल ने खुद को पकड़वा था ताकि वो खबीज तक पहुंच सके। व्हाट नॉनसेंस। डोगा ठीक कह रहा परमाणु, जिब्राल की गिरफ्तारी से ठीक पहले मैडम फॉक्स ने अपने कुछ उत्प्रवर्तकों के साथ टाइगर हिल्स पर घुसपैठ की थी। उनके साथी तो मेरे हाथों मार गए, लेकिन फॉक्स बच निकली। उन आतंकवादियों के पास मिले मैप के आधार पर मैं पीओके के स्थित आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पहुंची, जहाँ के कंप्यूटर्स में जिब्राल और 26/11 की घटना से जुड़ा डाटा फीड था। कैसा डाटा? जिब्राल ने खबीस और उसके साथियों को एक खास बायोलॉजिकल बम के साथ भेजा था। खबीस का काम उस बम को मुंबई में प्लांट और एक्टिवेट करना था, परंतु हिंदुस्तानी जवानों की तत्परता के कारण उन्हें बम एक्टिवेट करने का मौका नहीं मिला। खबीस के सारे साथी मारे गए, लेकिन खबीस ने खुद को जानबूझकर जिंदा गिरफ्तार करवाया, क्योंकि तो बायोलॉजिकल बम को एक्टिवेट करने का कोड है खबीस का डीएनए। यदि खबीस मारा जाता तो बम बेकार हो जाता। वो बायोलॉजिकल बम तभी एक्टिवेट हो सकता था जब उसमें कोड के रूप में खबीस का खून डाला जाता। जरा सोचो परमाणु, इतनी बड़ी प्लानिंग और तैयारी के साथ खबीस और उसके साथी क्या सिर्फ चंद निर्दोषों को मार के दहशत फैलाने के इरादे से मुंबई आए थे? मतलब उनका मकसद 150 लोगों की जान लेने का नहीं, पूरी मुंबई को खाक में मिलाने का था। व्हाट? इसलिए जिब्राल ने खबीज तक पहुंचने की वे यह योजना बनाई। खुद को गिरफ्तार करवाना उसके प्लान का हिस्सा था ताकि वो खबीज तक पहुंच सके, पर खबीज और जिब्राल तो डोगा के हाथों मारे जा चुके हैं, यानी वो बम बेकार हो गया। उस बम को बनाने में लगी मेहनत और लागत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम लोग। ऐसे कैसे बेकार हो जाने देते हम उसे? मेरे उत्प्रवर्तक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने वाले आतंकवादी संगठन ने मुझे यही काम तो सौंपा था। तुम सुपर हीरोज आतंकवाद की राह का सबसे बड़ा कांटा हो। अपने उत्प्रवर्तकों की मदद से मुझे न सिर्फ तुम लोगों का को संभालना था, बल्कि बायोलॉजिकल बम का एक्टिवेशन कोड भी हासिल करना था। मरते मरते जिब्राल यह वाइल मुझे दे गया, जिसमें उसने खबीज का खून भर लिया था। यह वाइल बम में फिट करने के ठीक 10 मिनट बाद मुंबई का हाल भी जापान के हिरोशिमा जैसा होगा। इसके सैदल बल या दावा बोलने से यह बात तो साफ हो गई कि खबीज ने बायोलॉजिकल बम होटल ताज में छुपाया है। मैं आतंकवादियों के कंप्यूटर से उस जगह की जानकारी एक्सेस नहीं कर सकी जहाँ खबीस ने बम प्लांट किया था, पर मुझे इसका आभास पहले ही था कि अंतिम क्षणों में खबीस ने बम होटल में कहीं छुपाया होगा। इसलिए मैंने और डोगा ने तुम्हें यहाँ बुलाया। इसकी और इसके चमगादड़ों की लाशें ताज से उल्टी लटकाएगा डोगा। हा, इन उत्प्रवर्तकों से बचकर रहना हीरोज, इनके भीतर वैम्पायर चमगादड़ों के जिन्स हैं। यदि इन्होंने तुम्हारे जिस्म में दांत गड़ा दिए तो तुम भी इनकी तरह उत्प्रवर्तक बन जाओगे। ची ची, ये अपने विशाल पंखों को तीव्र गति से फड़फड़ाकर तीव्र वायु वेग उत्पन्न कर रहे हैं, जो ना मेरी गोलियां को इनके शरीर तक पहुंचने दे रहा है और ना ही तुम्हारी उष्मा शक्ति को। अगर ताज और इसके आसपास मौजूद लोगों को उत्प्रवर्तकों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया तो कयामत आ जाएगी। तुम दोनों कुछ देर इन शैतानों को उलझाए रखो, मैं निर्दोष मुंबई वासियों को बचाने का इंतजाम करता हूँ। आप सभी लोग पैनिक ना करें, मैं आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल दूंगा। कृपया आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए। बचाओ बचाओ, यह परमाणु शील्ड आप लोगों तक इन उत्प्रवर्तकों को पहुंचने नहीं देगी, और मैं आप लोगों को इनकी पहुंच से दूर ले जाऊंगा। उसी समय ताज होटल के अंदर, हा, ताज होटल को लोगों से खाली करके इन हीरोज ने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं इत्मीनान से होटल में प्रवेश करके बम एक्टिवेट कर सकती हूँ। होटल खाली करके मैंने तेरा नहीं अपना काम आसान किया फोक्स, अब मैं यहाँ इत्मीनान से तेरी पिटाई कर सकता हूँ। धड़ाक। ओह, तू तो मेरी उम्मीद से ज्यादा ही जल्दी आ गया। यहाँ मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और इस पूरे एरिया को खाली करने में मुझे चंद मिनट ही तो लगने थे। यदि तू यदि और कॉन्फिडेंस में नहीं आती तो शायद सफल हो भी सकती थी, पर अब कोई चांस नहीं है। सफल तो मैं भी होंगी परमाणु, जब तक मैं बायोलॉजिकल बम एक्टिवेट नहीं कर लेती, यह वैम्पायर बैट तुझे रोकेगा।
ताज होटल की छत पर डोगा और शक्ति ने कैर बरसाया हुआ था। तुम मेरे लिए परमानेंट तौर पर हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो सकती। तुम्हारे निर्मित किए गए यह फ्लेम गन्स तो सुपर हाईटेक है। इनके वेग और प्रचंड ताप होता है, उत्परिवर्तकों के पंखों का वायु वेग भी नहीं रोक पा रहा है। यहाँ मौजूद नागरिकों की वजह से पहले इन पर प्रचंड वार करना मुमकिन नहीं था, लेकिन परमाणु ने वह समस्या हल कर दी। आज शक्ति आसमान से इनकी मौत के रूप में अग्नि वर्षा करेगी। कुछ देर बाद, ओह, मरते मरते भी काट गए दुष्ट। यहाँ मौजूद सारे उत्परिवर्तक खत्म हो गए। मरो शैतानों। मैडम फोक्स ने कहा था कि यदि इनमें से किसी ने हमें काट लिया तो हम भी इनके जैसे ही हो जाएंगे। उससे पहले ही हमें उस शैतान लोमड़ी को ढूंढकर उसकी सांसें रोकनी होगी। आखिरकार मैं बायोलॉजिकल बम तक पहुंच गई। अब बस खबीज का DNA इसमें डालना है और यह बम एक्टिवेट हो जाएगा। अफसोस, इस बार भी तूने तूने डायलॉग बाजी में समय बर्बाद कर दिया। अब परमाणु तेरे शैतानी इरादे बर्बाद करेगा। आह, वैम्पायर बैट को कैसे हरा दिया तूने, और तुझे कैसे पता चला कि इतने बड़े होटल में बम और मैं कहाँ हूँ? दौड़। बायोलॉजिकल पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए ठंडे वातावरण की जरूरत पड़ती है। होटल में रेफ्रिजरेशन यूनिट से ज्यादा ठंडा वातावरण और भला कहाँ हो सकता था। मेरा यह अनुमान सही सिद्ध हुआ और मैं समय रहते तुझ तक पहुंच गया। दो गौर शक्ति भी आ गए, तेरा खेल खत्म। खेल तो अब तेरा खत्म होगा परमाणु, क्योंकि यह दोनों अब उत्परिवर्तक बन चुके हैं। ओ नो, हा, क्योंकि यह लोग सीधे मेरे उत्परिवर्तक जिन से उत्परिवर्तक नहीं बने हैं, इसलिए यह पूर्णतः वैम्पायर्स नहीं बने। लेकिन उत्परिवर्तक होने के कारण इनके दिमाग में कंट्रोल कर सकती हूँ। दो का शक्ति खत्म कर दो परमाणु को। दो का शक्ति होश में आओ, तुम दोनों मानवता और सच्चाई के रक्षक हो। आज मुंबई ही नहीं, इंसानियत भी दांव पर लगे साथियों। और मानवता को बचाने आ तो पहले अपने भीतर के शैतान से जीतो। जिनके रगों में सच्चाई लोभ बनकर दौड़ रही हो, उन्हें कोई शैतानी जिन हरा नहीं सकती। इंसानियत को हराने हारने नहीं दोगे तुम दोनों। यह परमाणु का नहीं, पूरे देश का विश्वास है तुम पर। हफ, दोगा और शक्ति का दिमाग पूर्णतः मेरे कंट्रोल में नहीं है। परमाणु इनके हीरोइज्म को उकसाकर उत्परिवर्तक शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे उत्परिवर्तक शक्ति की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, वरना परमाणु ऐसा करने में सफल हो भी हो जाएगा। धड़ाक। ओह, मैडम फॉक्स अपनी बैट से इनके दिमाग कंट्रोल कर रही है, लेकिन वार करने में इनकी झिझक से साफ जाहिर है कि मेरी बातों का असर डोगा और शक्ति पर हो रहा है। सबसे पहले इस बेल्ट का इंतजाम करना होगा। ओ नहीं, मेरी बेल्ट। बूम बूम। बेल्ट नष्ट करने से इनके दिमाग पर से मेरा कंट्रोल तो हट जाएगा, लेकिन इनके भीतर मौजूद उत्परिवर्तक जींस खत्म नहीं होंगे। या तो तेरी जान लेंगे या फिर तुझे भी अपने जैसा बना देंगे। पर अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। यह वाइल फौरन बायोलॉजिकल बम में फिट कर दूंगी। यह क्या, यह वायल गायब कैसे हो रही है? मैंने एटॉमिक फ्रेगमेंटेशन पेंटेशन करके यह वायल अपने पास ट्रांसमिट कर ली है। आतंकवाद के काले लहू से भरी तबाही की इस कुंजी का तो यही अंजाम होना था। पचाक। नहीं, पर तुझे भी तेरे अंजाम तक पहुंचाना। उफ, मेरा प्लान तो तुम तीनों मिलकर बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। तुम तीनों एक दूसरे से जूझते रहो, मैं तो चली। फॉक्स भाग रही है, लेकिन फिलहाल उसके पीछे जाने से ज्यादा जरूरी शक्ति और डोगा को संभालना है, क्योंकि तो इस समय यह दोनों दुनिया के लिए सबसे खतरनाक जैविक बम से कम नहीं है। यह दोनों तो मेरी गर्दन में दांत गड़ाने पर उतार हुए हैं। फॉक्स की बेल्ट नष्ट होने से इनके भीतर समाहित उत्परिवर्तक जींस अनियंत्रित हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए परमाणु रूप से उपयुक्त रहेंगी। यह न सिर्फ इनके दांतों से मुझे बचाएगी, बल्कि
बल्कि इन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचने देगी। फिर कुछ हल्के परमाणु ब्लास्ट बूम बूम और कुछ तीव्र शारीरिक वार धड़ाक धौड़ इन्हें बेहोश करने के लिए काफी है। कुछ लो इंटेंसिटी के परमाणु छल्ले मुझे इनके शरीर में प्रविष्ट कराने होंगे जो कि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, पर इनके भीतर मौजूद उत्परिवर्तक जीन्स को अपने रेडिएशन से खत्म कर दें। कुछ देर बाद, थैंक्स परमाणु, तुम नहीं होते तो उस लोमड़ी ने तो हम दोनों को शैतान बना ही डाला था। थैंक्स की आवश्यकता नहीं है डोगा, तुम दोनों ने मिलकर वाकई मुंबई को आतंकवाद के घिनौने षड्यंत्र और मैडम फॉक्स द्वारा किए जाने वाले विनाश से बचाया है। तुम्हारे सहयोग के बिना यह कार्य दुष्कर था परमाणु। अफसोस सिर्फ इस बात का कि फॉक्स भाग निकली, पर देर सवेर हम उसे भी बिल से ढूंढ निकालेंगे और उसके शरीर में भर देंगे देखते अंगारे। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।